नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्मॉल डिस्क इज ऑन द टॉप ऑफ अ हैमीस्फेयर ऑफ रेडियस आर वॉट इज द स्मॉलेस्ट हॉरिजोंटल बेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू द डिस्क फॉर इट टू लीव द हेमिसफेयर एंड नॉट स्लाइड डाउन ऑन इट गिवन है कि दे इज नो फ्रिक्शन तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अक्सर स्टूडेंट्स uh, इस सवाल से डर जाते हैं कि इसमें हो क्या रहा है बहुत ही सिंपल सवाल है इसको ऐसे समझें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी हेमिसफेयर बाउल है लेट मी ड्रॉ इट अगेन यह आपका सर्कल इसको आधा बना लेते हैं यह आपकी हेमिसफेयर बाउल है इस हेमिसफेयर बाउल के ऊपर यहाँ पे एक आपने छोटा सा पार्टिकल रखा हुआ है अब इस पार्टिकल को हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी दी सवाल ये कि इस वी की मिनिमम कितनी वेलोसिटी हो कि ये पार्टिकल आपका ऐसे आ जाए और ऐसे रोल होकर इसके ऊपर ऐसे ऐसे ना आए राइट सो दिस इज़ द स्नैरियो ये आपका स्नैरियो है ना इसको नोटिस करेंगे तो इसके ऊपर बेटा एक फोर्स लग रहा है नीचे जिसको एम बोलेंगे और ऊपर आपका नॉर्मल फोर्स है लेकिन हम चाहते हैं ये अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा तो उसका जो अपना पाथ है दैट शुड बी सर्कुलर पाथ और अगर सर्कुलर पाथ है तो उस केस में आपकी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर नाउ इस फोर्स की वैल्यू आपके एम जी से ज़्यादा होनी चाहिए जो एम जी फोर्स इसको नीचे इससे चिपका के रखेगा सो so, यहाँ से एम वेम विल गेट कैंसिल यानी कि वी शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन Uh, Rg or uh, V should be greater than under root of Rg. So, this will be our right answer, uh, which means option number B V is uh, equal to under root Gr is the correct choice.